शादी हुई, क्या हालात थे, क्या हुआ, सब कुछ बताओ। 14 साल की उम्र थी जब शादी हुई थी। अच्छा, तो एक साल बाद यानी कि हमारा झगड़ा होना शुरू हो गया, यानी कि मेरी वजह से लगा, मेरी वजह से झगड़ा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारा तल नहीं आगे बात बनी, तो लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए, तलाक हो गई थी हमारी। वजह क्या थी वो बताओ। वजह यही थी कि वो प्रोग्राम वगैरह के करने की वजह यही थी कि प्रोग्राम छोड़ दो, ये वो नहीं कहती थी, उसके घर वाले कहते थे डांस करना छोड़, जी वो नहीं कहती थी, मुजरा जिसे कहते हैं, जी। अच्छा, तो फिर उसके घर वाले यही कहते थे कि यहाँ पे ना किया करो, कहीं दूर जाके कर लिया करो, लेकिन उसे कोई मसला नहीं था। अच्छा, वो कहती थी ठीक है, वो कहती थी करो। हाँ। अच्छा, आप उसके साथ शौहर वाली जिंदगी गुजार रहे थे। जी। कितनी देर? एक साल तक। एक साल तक सही थे हालात, फिर क्या हुआ? फिर हमारे झगड़े होने शुरू हो गए, तलाक हो गई। वो अपने घर इधर आ गई, इधर खाने के थे, इधर ही रहती थी अपने घर पे। तो ये बात सच है, वो अपने उसके भाई की शादी थी, उसने उसे रोका भी था, तो हमारी फैमिली को भी उधर मोहल्ले वालों को सबको पता है, तो ये इधर चौंकी भी रहती थी, तो उधर भी फिर उसने यहाँ से छोड़ के वहाँ पे मकान ले लिया उधर रायमंड में, मल्ला इस्लामाबाद। तो लोग सारी बातें करते थे, अकेले अकेली रहती है, ये है वो है। तो फिर अब उसने अबू ने घर पे बुलाया, अबू ने समझाया बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, अगर इसके साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हुआ तो कहीं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। फिर अबू ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं मैं नहीं अब शादी करनी। तो ताई की बेटी थी, जी ताई शादी है, ठीक है। फिर उसे यानी कि फोन किया, घर पे बुलाया उसे फोन करके ना। कब? तकरीबन 8 साल पहले। 8 साल पहले। 8 साल पहले उसे फोन करके घर पे बुलाया, उसे समझाया, ठीक है। वो कह रही थी भी नहीं मैंने अब अपने तरीके से जिंदगी गुजारनी है। तो फिर मैंने इसे भी कहा कि भी मेरे साथ मिलके ये काम कर दो, मुझसे अकेले से नहीं होगा। तो फिर हमने घर पे बुलाया, कमरे पे सोए हुए थे हम, यानी कि सिगरेट वगैरह पी। ये कौन है? ये ताई का बेटा, ये भी। अच्छा, तो फिर हमने इसे घर पे बुलाया, उससे सिगरेट वगैरह पिए, बैठे रहे, गप्पे शप्पे लगे उसके साथ। जी, सिगरेट पीते थे वो भी, पीते थे। और हम कौन सा? ये कैप्टन का। अच्छा, तो फिर हम जब 3 बजे सुबह के 3 बजे तो हमने फिर उसे यानी कि इसने काम पे बुलाया घर पे अपने कमरे में, हमारा कमरा था जी। अच्छा। रायमंड में, तो उसे घर पे बुलाया। फिर जब 3 बजे जब सो गए सारे, सर्दियों के दिन थे, तो मैं अपने कमरे में फिर इसने डंडा मारा और मैंने जल्दी से ऊपर तकिया रख दिया। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद 3 बजे का टाइम था, धुंध भी थी, और बाइक पे लेके गए थे, कपड़े में डाला जब उसे मार दिया, कपड़े में डाल के फिर बोरी में डाला, जो सेबों की बोरी नहीं होती, उसमें उसमें डाल के फिर हम बाइक पे ले गया। राजाजंग सुना आपने? राजाजंग के पीछे रोई है, उधर फेंका था। अच्छा जी, बोरी में डाल के? जी बोरी में डाल के, ठीक है। उसके अंदर नहर में फेंका था? नहीं, पीछे रोई है, नहर तो पीछे आगे थी, वहाँ पे नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का, इसीलिए फिर हम आगे नहीं गए थे। दोनों कौन चला रहा था बाइक? ये चला रहा था, ये चला रहा था। क्या नाम है इसका? शहजाद। शहजाद, ये क्या है? ये भी ताई का बेटा है। ताई का बेटा, ये भी उससे करना चाहता था शादी पहले, शादी से पहले यानी कि करना चाहता था। अच्छा, तो उसके इसका घर बार नहीं है ना, इसके अम्मी अबू भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फिर इसके साथ नहीं किया था। उसके साथ नहीं जी, फिर वहाँ पे फेंक दिया जी। फिर क्या किया आके? फिर घर आके 2-3 दिन यही डर था कि भी अगर मिल गई लाश तो पकड़े जाएंगे हम, पक्का हम पकड़े जाएंगे। लेकिन कुछ अरसा गुजरता गया, फिर खौफ आना शुरू हो गया। खौफ क्या आता था? ये कि वो मेरे पास है, जब लाइट जानी कभी कभार लाइट जाती थी, डर आता था, खौफ आता था, इसकी वजह से मुझे नशा वगैरह भी करना पड़ता था। नींद आ जाए। क्या नशा करते? यही कभी चरस वाला सिगरेट पी लिया, कभी नींद की गोलियां खा ली, तो फिर नींद आती थी, वरना नहीं आती थी। तो फिर गुस्से से आके मैंने खुद ही उनको बता दिया था। किसको? अपने साले को। कब? आज से तकरीबन 10-11 महीने पहले की बात है। अच्छा जी, वो क्या हुआ वाक्य? वो यही मैंने उनको खुद ही बताया था, नींद नहीं आती थी मुझे। अच्छा। सबको पता, घर वालों को भी, कि मैंने नींद की गोलियां खा के सोना था, तो वो मुझे झगड़ते थे, कहते थे क्या मसला है, बताओ क्या बात है, लेकिन मैंने उनको कभी कुछ नहीं बताया। रिकॉर्डिंग जब उन्होंने की है तब उनको सबको पता चला। अच्छा, 10-11 महीने पहले बताया जी, 10-11 किसे? साले को जी। वो क्या नाम था? बड़े से छोटा जो वसीम उसका नाम है, शादीशुदा है वो। उसे क्या कहा जाके? मैंने उसको बोला कि हमने तुम्हारी बहन को मार दिया, मैंने और इसने, पकड़वा दो हमें। तो क्या कहता? फिर उसने 10 महीने तक थोड़ा सा पता नहीं क्यों वेट किया, तो उसके बाद रिट हुई है। तो पहले नहीं पकड़वाया उसने? नहीं, पहले नहीं पकड़वाया। अच्छा, 10 महीने हो गए। ठीक है, तो उसने आगे से कुछ नहीं कहा क्यों मारा, क्या नहीं किया?
नहीं, इसने पूछा था मैं कब बोला, तुम पुलिस वालों को बोल दो, हम सब कुछ बता देंगे। नहीं तो 8 साल पहले जब कत्ल की वारदात की तो तब उसके घर वालों ने कहीं पे एप्लीकेशन नहीं दी उसके गवाह की कोई? नहीं सर जी, उन्होंने निकाला हुआ था उसे घर से। अकेली रहती वैसे? हाँ, एक दो बार पूछा था, कभी रहता होता, मैंने कहा नहीं। किसने पूछा था? घर वालों ने? हाँ, उसकी बहन ने। अच्छा जी, मतलब किसी को नहीं पता था, अकेली रहती थी इस वजह से मार दिया। क्या करते रहे इस दौरान? डांस ही फंक्शन? ये 8 साल से गुजरे पीछे जी, फंक्शन ही करते रहे जी। सही है। अब क्या ख्वाहिश आता है, क्या तब्दीली क्या आई थी सारी? यही मैंने आपको बताया कि फंक्शन वगैरह तो पहले से थे, तो ये काम पे मैंने छोड़ा ही नहीं है। तो लड़कियों वाला नाम नहीं रखा? सनी नाम से। सनी, सनी नाम सबको पता है, नवीद उर्फ सनी। यही करते, इसी से खाते पीते हो? कितने बहन भाई? हम 5 बहन भाई हैं। वो ठीक है जी? वो ठीक है, नॉर्मल है जी। तो क्या किया ये जो अपनी बीवी का कत्ल किया था, सबका बीवी का, तलाक देने के बाद क्यों कत्ल किया? समझाया था, बस नहीं मानी। जो गैरत जी? तो गैरत किस चीज की? आप तो खुद डांस करते हो, फंक्शन करते हो, आपको गैरत सर वाला सीन क्या है? ये सब घर वालों, सारे मोहल्ले वाले, वहाँ पे हमारी रहायश थी छोटे से, तब जहाँ पे रहते थे सारे गली वाले जानते, मोहल्ले वाले, वो बस्ती पूरी जानती है। तो फिर लोग फोन करके इस तरह गलत गलत बताते थे ना, तो फिर समझाया था उसे अब्बू ने भी। वो बाइक पे बैठ के लड़कों के साथ हमारे घर के सामने से गुजर जाती थी। ये सारी हमारी बिरादरी को भी पता है और मोहल्ले वालों को, सबको पता है। क्या बातें की आखिरी बातें याद है? नहीं सर जी, कोई नहीं याद। नहीं सर जी, बस ये वो रात याद है, इतनी खौफनाक थी, बस खौफनाक थी रात जी। वो याद आती रही है फिर बाद में रात जी सर। क्या क्या याद आता रहा? यही कि भी हमने गलत किया, तो बस रात को सर डर लगता था, नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खा के नींद आती थी, वरना नींद आती नहीं थी। तो फिर इस तरह की जिंदगी नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने कहा शायद सबको पता चल जाए तो कुछ अच्छा किया जो किया। नहीं सर। हैं? नहीं सर। क्या अच्छा नहीं किया? यही अच्छा नहीं किया जो किया। क्या करना चाहिए था? बस अगर नहीं था गुजारा तो नहीं मान रही थी उसे, अपने तरीके से जिंदगी जी लेनी चाहिए थी। सजा होनी चाहिए आपको जी? क्या जो भी अदालत दे रही। क्या सजा होती कत्ल की? फांसी। फांसी होती जी? फांसी होनी चाहिए जी। क्या मैसेज दोगे, देख रहे हैं लोग आपको? बस यही कि इस तरह नहीं करना चाहिए। नवीद उर्फ सनी ने तो अपनी साबका बीवी का कत्ल किया, लेकिन उसका साथी मुलजिम शहजाद आखिर शाजिया के साथ क्या करना चाहता था और इस वारदात में उसने इसका साथ क्यों दिया, ये उसी की जुबानी सुन लेते हैं। मुझे बताया फोन करके कि हम ये काम कर लें, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लें। मैं भी उसको पहले पसंद करता था, लेकिन मेरे अम्मी अबू नहीं आए थे इसलिए मुझे रिश्ता दिया ही नहीं उनको। तो फिर मैंने सोचा चलो गलत तो काम ये कर रही है, तो लोग बातें करते थे, पसंद करते थे, होती थी मुलाकात कोई? बस जब चली गई थी एक बार ही मुलाकात हुई थी। मेरी दुकान थी आइसक्रीम वाली, चाचू ने डाल के दी थी। अच्छा, तो उधर से इसके अबू ने? अच्छा, वो बैठ के गाड़ी पे कहीं जा रही थी, उसने मुझे देखा तो फिर मेरे पास आ गई, 10-15 मिनट बैठी बातें की, वो ही काम कर रही थी जो गलत काम कर रही थी। अच्छा, फिर मैंने भी समझाया था उसे वो, लेकिन नहीं मानी। फिर भाई ने मुझे बताया कि हम ये काम कर लें, जब हमारे घर के पास आके रहने लगी, बुरे काम करने लगी, लोग बातें करते, जिसके साथ मैं काम करता था वो भी मुझे बातें करते थे, यार तुम्हारी कजन उधर है, सनी की बीवी थी। फिर देख भी लिया जाके वो घर, चोरी से छुप के देखा कि है भी है कि नहीं, लेकिन देखा वो आदमी जाते थे आते थे, फिर बुरा लगता सर। फिर इसने मुझे बोला ये हम काम कर देते हैं। क्या काम कर देते हैं, खुल के बात करो ना सर, कि उसका कत्ल कर देते हैं। अच्छा, ये आया आपके पास फोन पे 8 साल पहले? हाँ जी। अच्छा,
तो फिर मैंने इसकी बात मान ली। कितनी उम्र थी तब आपकी? अभी मेरी 22 साल उम्र है। अच्छा, फिर कैसे सिगरेट पिए? कौन सा सिगरेट पिए? कैप्टन के साथ में चर्स भी थी। चर्स भी पी? उसे भी पिलाई? वो भी पीती थी, पहले पीती थी। तो आप भी पीते थे जी दोनों? अच्छा, चर्स पी फिर? फिर सो गए थे हम, 2-3 को बजे ना सो गए थे, 2-3 बज गए थे। तो फिर मैंने डंडा उसके सिर पे मारा एक ही, फिर इसने ऊपर तकिया रख दिया। अच्छा, फिर उसका सांस खत्म हो गया था। फिर हमने दोनों ने उसको मैट्रेस की चादर होती है, अच्छा, उसमें बांध के बाद में बोरी में डाल दिया था। अच्छा, इकट्ठा करके से ज्यादा बोरी में डल जाए, फिर जाके रोई में फेंक दिया था। रोई में फेंक दी? कौन सी वाली रोई? वो रैजन के साथ से। ठीक है, लाश मिली उसकी? नहीं, लाश नहीं मिली जी। सही, तो फिर कत्ल करने के बाद आगे जी क्या करते रहे? कुछ नहीं, कुछ 2-3 दिन 4 दिन परेशानी रही थी कि इतना काम कर लिया यार, कोई पकड़ लेगी पुलिस ना, किसी को पता घर वालों को लग गया, पर वो कुछ भी नहीं ऐसा। फिर मैं अपना काम करता रहा। इजी हो गए, रिलैक्स जी? धीरे धीरे। ठीक है, क्या काम करने लग गए फिर? मैं कसाईयों का काम करता हूँ। शुरू से पहले भी कसाईयों का? सही, बकरे काटते? नहीं, बड़े भी जानवर करते। बड़े भी जानवर जी। कौन करता और इसके अलावा फैमिली में? नहीं, मैं अकेला ही हूँ बस। पहले भी करते जी, इसीलिए मार लिया आसानी से शायद। 14 साल उम्र होगी इसकी भी? इतनी होगी 14-15 साल? हाँ, मेरे से 1.5 साल बड़ा होगा। तो तब मार दिया आराम से? कोई खौफ डर नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। इजी रही जिंदगी, गुजरती रही। फिर शादी की? मेरी नहीं हुई शादी। नहीं की? कब करनी थी? अभी पता ही नहीं है करनी है नहीं करनी। इससे जो ख्वाब आते थे ऐसा कोई परेशानी होती थी आप? नहीं जी। आपको नहीं होती जी? क्या ठीक किया था उस वक्त ये लगता था जी? तो अब क्या लगता है? कुछ भी नहीं, पकड़े गए जैसे। पहले क्या लगता था? नहीं पकड़े जाओगे ऐसे ही था। हैं जी, सुकून से चलता रहेगा जी। किसी से बात भी नहीं की कत्ल की? घर में इसी के रहते हो जी अभी भी जी? कैसे पकड़े गए? इस भाई ने फोन करके उसको बुलाया, साले अपने को बता दिया था मैं काम पे गया हूँ। वो तो साल पहले बताया था, मतलब तब भी सुबह चक हो गया ना था हमारे दोनों पे कि हमारी बहन तो दिख नहीं रही, इतनी देर हो गई। फिर थोड़ा बहुत घर वालों को भी पता चल गया जब उसने घर आके रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर कि अब ऐसे इसने बोला है। फिर सबको घर वालों को पता चल गया था, मुझे पता नहीं था कि ये काम के लिए मुझे पकड़ा। भूल गए थे? भूल नहीं गया था, लेकिन यही था कि सिगरेट पीते शायद इसलिए किसी ने शिकायत कर दी हो। अच्छा, फिर पिछला फिर पता चला था कि ये काम किया। वो भाई खुद ही पकड़ाया जिसने, उसने बड़े भाई ने, जब मैं भाई देखा ना घर के पुलिस वालों के साथ खड़ा हुआ था, फिर मैं समझ गया था हमने ये काम किया। तो फिर बताया उन्हें? इधर आके मैंने बता दिया। फौरी बता दी जी? क्या बताया? यही कि हमने ये काम किया, जैसे आपको बोला वैसे ही से बोला था। तो ठीक काम किया? ठीक तो नहीं किया, लेकिन मसला होता था, गैरत का मसला, उसी बातों का मसला था। लोग करते थे जी? क्या क्या बातें करते थे? यही कि हमने आप उधर जाते हैं ये काम करते हैं गलत, आके मुझे बताते हैं कि यार दे वो, उसको समझाओ ना, ले कर भी लेना बाद में। शादी पहले करना चाहते थे इससे पहले जी? बाद में इससे पहले जब इसकी मंगनी वो होगी थी, होने वाली चीज तस्वीर देखी मैंने, वो हमारे घर के पास में रहते थे, इधर ही रहते थे कानी। फिर मेरे भी मैंने दिल में आके चल मैं यार से पूछ लेता हूँ, कोई मेरा आया तो नहीं था, लेकिन शक करवाया उनको कि मैं भी इनको चाहता हूँ। किन को शक करवाया? घर वालों को। क्यों? कि मेरी शादी कर दें शायद हो सके, लेकिन वो इधर ही हो गई थी भाई के साथ, फिर मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो बाद में जब तलाक हुई तब नहीं दिल किया शादी करने का? वो काम ही उल्ट करती, बस समझाने का दिल करता था, समझ जब। पछतावा है जी? वाकई जी? कितना? बस यही कि मैं गलत किया है, बस गलत किया है जी। सजा मिलती गलती पे, कत्ल पे? जारी बात है, गलती कोई भी हो सजा तो मिलती है। तैयार हो सजा के लिए? क्या सजा होनी चाहिए ये आपको पता है, जब पुलिस वाले को पता है कि हमने काम किया है, कैसी सजा होनी चाहिए? वैसे नहीं सुना किसी से जी कभी के कत्ल की सजा होती है? फिल्मों में देखा है। फिल्मों में देखा है? क्या होती है सजा? यही सजा मौत हो जाती है। तो अगर मतलब वैसे जल्दी छूट गए फिर क्या करोगे?
कोशिश यही है कि बस काम गलत किया उसके हक में दुआ ही कर देंगे। लाश भी नहीं मिली उसकी? नहीं। पछतावा है जी? कितना? बस यही कि कभी आप तो रोए भी नहीं, वो तो परेशान होता था। चलो जी, मुझे खौफ नहीं आया कभी। नहीं आया? नहीं जी। हालांकि डंडा मैंने मारा था। मैंने मारा था जी। सही। तो बाइक कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। इसने पकड़ी भी थी लाश जी? कितनी थी उस टाइम उसकी उम्र? वो भी एक 14-14.5 साल उम्र के साल के एडजेड में आया था। बच्ची थी जी? अच्छा किया? नहीं जी। अच्छा तो नहीं किया, लेकिन पहले जब कर रहे थे तब अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था जी। आप कैसा लग रहा है? अभी यही है कि बस के उसको जीना चाहिए था। क्यों? क्योंकि खुद पकड़े गए, इसलिए ना पकड़े जाते तो ठीक थी जिंदगी। फिर कैसे ही समझ लो। इससे क्यों उसने तलाक ली? इसकी वजह से नहीं कोई मसला बना आपको नहीं लगता? क्योंकि ये खुद डांस करता है और डिफरेंट हो गई है इसकी नेचर, जिस्म, सब कुछ। ये नहीं सोचा है? आप तो बड़े हो गए हो ना, तब तो बच्चे थे जी। क्या लगता है ये इनको ही मामला था? मुझे तो पता नहीं। नहीं, कत्ल कर दिया उसके कहने पे, तो उसकी जिंदगी पे भी नजर रखो ना। जब उसकी शादी हुई हाँ जी, तो तब और था, फिर बाद में डिफरेंट हो गए। वो उसकी फील है, जैसा मर्जी हो जाए, लेकिन घर वाले ने रोका था उसे। लेकिन वो ये है कि फंक्शन करता है तो गाड़ी पे घर आ जाता है, किसी को बाहर ना जाता है घर से, रात को जाना रात को वापस आ जाना बस। ठीक है ये जी। अगर मतलब इसकी सजा अपने पे ले लोगे कि इसने कुछ नहीं किया, मैंने किए, प्यार करते हो इससे? नहीं, मेरा पर भाई है। भाई है, भाइयों वाला प्यार जी करते जी। सजा आप लोगे पूरी के? इससे भी मिलनी चाहिए। देख लो, काम तो दोनों ने किया। दोनों ने किया जी। अकेले को मिलनी चाहिए दोनों को? ये तो जज को बताना चाहिए। आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो यही है महसूस कि हम दोनों ने काम किया, दोनों को मिलनी चाहिए। वो अब जज को, जज करेगा, जाहिर बात है उधर ही फैसला जाता है। क्या कह रहा है ये? ठीक कह रहा है, दोनों को सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए दोनों को। गलत किया है जी? कितना गलत है? बहुत ज्यादा। उस टाइम नहीं पता लगा? नहीं सर। नाजरीन, ये वो दोनों मुलजमान है, नवीद उर्फ सनी जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया, साथ उसका कज़न शहजाद जिसने उसकी मदद की, और उन दोनों ने ये कत्ल की वारदात करने के बाद आज से 8 साल पहले उस लाश को नहर में रूही जो बता रहा है वहाँ पर फेंक दिया, और आज तक वो लाश नहीं मिल सकी। लेकिन पुलिस तक ये जब मामला पहुँचा तो पुलिस ने इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने आज से 8 साल कबल किए हुए कत्ल का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है।